गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है संडे तो मैंने सोचा चलो कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च ये सब काट के उसमें से थोड़ी सी मेयोनीज, टमाटो सॉस, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें कटा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया है। अब मैं ब्रेड के ऊपर पिज्जा सॉस लगा दूंगी, फिर स्टफिंग को ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला दूंगी इस तरह से। ब्रेड पिज्जा बनाना बहुत ही इजी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, इसमें ज़्यादा काम भी नहीं होता है। अब मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी। अब मैं मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी जो कि है चीज़। तो मैंने चीज़ को भी कद्दूकस कर दिया है और अब मैं इसको ओवन में कुक होने के लिए रख दूंगी। कुक होने से पहले मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया है। अब मैं इसमें टाइमिंग सेट कर दूंगी। आप भी ब्रेड पिज्ज़ा इस तरह से ट्राई करना, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना। तो ये देखिए ब्रेड पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया एकदम क्रिस्पी। तो ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है जितना कि देखने में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।